देख रहे हैं फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगू आपके लिए लेके आया हूँ रंग रंग कार्यक्रम। दोस्तों आपको दिखाने जा रहे हैं सोनापुर का महासंग्राम करने का फर्द मुकद्दर का फैसला डाकू जग्गा सिंह पार्ट 6, जिसके प्रस्तुत करता है चांसा थिएटर संगीत कंपनी बथुआ खास थाना गुरबकस जिला राय बरेली। हमारे जितने नए संगीत प्रेमी भाई है सभी से अनुरोध है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारी वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में आपका सुझाव जरूर दें। देखते रहिए फनी मनोरंजन लाइव, बजाते रहिए फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जल्दी जल्दी के हो छिया के और साइड में आओ। लगा ना जुड़ी करो लम्बा था जी। अरे अब हंतन से मनाओ। अगर लड़की पढ़ने जाए तो तुम्हारा मोछ नहीं गिल्ली की पूछ समझो। पट जाएगी ना? हाँ तुरंत काम बन जाएगा ना? प्यार प्यार प्यार। ठीक ठीक ठीक। बिट्टी हो बिट्टी हो मजे मजे कहो बिट्टी हो। किसको कहो? प्यार से कहो। हम जितना कहे उतना कहो, वही लड़कीवा का कहो। लेकिन बिट्टी कहूंगा तो फिर इसके साथ हम कुछ करें? यार बिट्टी बच्ची करे रहो, काम बनाए रहो। ठीक है ठीक है, हम इसे पाने के लिए कुछ भी कहूंगा। कहो अम्मा कह दिए तो पड़ जाए। क्या प्यार मा प्यार मा अंजुली ने खोल अच्छा नहीं तो सब प्यार गिर जाए। बिट्टी हो बिट्टी हो बच्ची हो बच्ची हो दीदा हो सब प्यार गिर गा। नहीं 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 गिरा। प्यार जब इकट्ठा हो जाए तो लसलसाए लागी तब लड़की तू होगा एकदम कहुनिया ले। सच में? अरे फिर जल्दी से प्यार लाओ। बिट्टी हो बिट्टी हो बच्ची हो बच्ची हो दीदा हो कहो भक्ता हो बहिनी हो कहो कहो नंबरदार कह जाओ कह जाओ कह जाओ। बहिनी हो हमारी अंजुली माँ। हमारी अंजुली माँ गरम 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 पिए के बड़े पिए के बड़े मोती दियो। क्या बहुत विचार बूंद अंदर हल तुम नहीं काम बना पाओगे। हमारे दोस्त को बुला कर लाओ। अब हमारा दोस्त काम बनाएगा क्योंकि एक राजा का भाई है, इसका कहना जरूर मानेगी। करम सिंह जगह आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो जगह? इसलिए कि तेरे कहने से चोरी डकैती मैंने छोड़ दिया, कहा था छोड़ दिया, लेकिन आज हमारे दिल में ये अरमान है कि इस लड़की के साथ आज हम अपने दिल को बहलाएं। फिर लड़के फिर लड़के फिर लड़के क्या उस लड़की के चक्कर में पड़ा है जगह? किसे जाने दे जाने दे लड़के अभी तक गई नहीं। अगर नहीं गई तो फिर चुपचाप खड़े रहे। जग्गा तेरा कहने का मतलब क्या है? विक्रम सिंह मैं तेरा दोस्त हूँ। आज अगर ये लड़की अगर हमारे सीने से नहीं लगी, हमारे दिल की प्यास को नहीं बुझाया तो कसम माँ भवानी की तुझसे दोस्ती छोड़ दूंगा। ये कहना जगह एक लड़की के पिछले में तू मेरे साथ दोस्ती तोड़ देगा? हाँ करम सिंह कहीं जगह तू क्या मेरे लिए इतना काम नहीं कर सकता कि इस लड़की को जगह करूंगा? क्यों नहीं करूंगा? अगर दोस्ती का वास्ता है तो हम तेरे हर हुक्म का पालन करें। मना उसे अगर ये नहीं मानेगी तो हम तुमसे नहीं बात। करे मुझसे कुछ बुरा हो जाए। यही क्या बुझा राधा? यही क्या बुझा? देखो मैं तुमसे एक बार कहूंगा
मेरी बात को इनकार नहीं करना है। साहब आपकी बात भला कौन इनकार करता है, अगर मेरे लायक होगी तो मैं उसे जरूर करूंगी। देखो आना तुम्हें एक ना एक दिन तुम हट बढ़कर किसी के घर जाना है। क्यों खबर साहब सत्य है ये और क्यों ना हो, जब अच्छा इंसान है उसने अपने सारे घंटे काम बंद कर दिया है, अगर तुम उसके बात को मान लो और तू हर बार कर उसके घर से ले जाओ तो कितना अच्छा रहेगा। तो तुम्हारी जुबान में कीड़े पड़ जाने चाहिए था, तुम्हारी जुबान करके जमीन पर जानी चाहिए। मेरे राधा बड़े फिरानी कहावत है, बड़े फिरानी कहावत है कि खुदा जो हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। अरे खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन कर रखती है कमर पर खा ही जाती है। अरे तुम्हारी नजर को क्या कहूँ, तुम्हें क्या कहूँ, उससे क्या मेरा क्या। अरे दीवानी हे मुस्तानी और आई कंबल है ये तेरी और पानी है तेरी बरिया है तुम्हें तेरी सरिया करता हूँ और जो नहीं कहता उसे
प्रवेश करता हूँ। अरमान पूरे न कर पाओगे, अब तो जिंदगी बर्बाद है। आओ मेरी जान, मैं बहुत सिद्ध जान कर रहा हूँ। मेरी जान, आओ मेरी जान, चिल्लाओ जी भर कर और सारी उम्र हाथ में मिलकर पछताओ। और मजा आ गया, और पसीनिया में भीज गयो। देखा करम सिंह जज्जा, करम सिंह कुंवारी लड़की के साथ ऐसा करने में कितना मजा आता है। वो सब तो ठीक है, तेरे कहने से मैंने तेरे बखतवाला कर दिया, लेकिन ये बात अगर मेरे भैया को मालूम हो जाएगी ना तो हमारी तुम्हारी दोनों की कटाई होगी। बड़े भैया को कुछ नहीं मालूम होगा, सब तो ठीक है। चलो चलो तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे कहीं का नहीं रखा। तो क्या जिंदगी की ना है बर्बाद, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अगर मेरे तुम्हारी दोनों की जिंदगी ना बर्बाद कर दी ना तो मेरा भी नाम राधा नहीं। जिंदगी की ना है बर्बाद, दबा दूंगी जेल में चक्की पीस हो जाए ठाकुर, जेल में चक्की पीस हो जाए कर दूंगी तुम दोनों को। हाथ लगा लगा
कहती है कि शादी कर लो मुझसे, मेरी इज्जत बर्बाद किया है तो मुझसे शादी कर लो। है छोकरिया तू नहीं जानत है ये जगह तेरी जैसी कुंवारी लड़कियों को कितनों को बर्बाद किया है। अगर तुमने मुझसे ब्याह नहीं किया तो मैं तुम्हें जैसा तुझे की बता दूंगी। कोई ना कोई जगह सोच वरना हम तो बर्बाद हो जाएंगे। जगह तुझे तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता है, जो कुछ कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन मैं जो तुझे बता रहा हूँ उसे ध्यान दे। इस लड़की को मेरे कहने के अनुसार जैसे कहा इसकी इज्जत लो, वैसे ही एक कहावत है, ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। भगवान झूठ ना बुलाए चूना लगा के। हम बहुत अच्छा नेक इंसान है दोनों चूना लगा के। इस लड़की को ये ले पिस्तौल और नामो निशान खत्म कर दे। इसे सुरेंद्र के मुंह से निकलेगी आवाज ना ही तो भैया कैसे जानेंगे। मारे थाली को चांद से मैं नंबर गिनता हूँ। नंबर एक और नंबर दो और नंबर तीन। जगह मेरे दोस्त, तो मेरी जान बच गई, तुम्हारी गोली मिस हो गई था। अब तुम मुझसे विवाह कर लो। बचोगे नहीं किसी हाल में। अगर जगदा का निशाना छूट गया तो कौन से किसे यहाँ से चिंता नहीं जाने देगा, वरना मेरी आन बान पर धक्का लग जाएगा। हम तुझे इसी वक्त जान से खत्म न करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। क्या बात है, हम तेरी देख सूरत जले तले Yeah.
उसका यही असर होगा। भगवान झूठ ना बोलाए चूना लगा के मरना देर हो जाएगी, हवेली चलना है, चल सकते हैं। चार चल चार अभिनंदन और चाय फिर श्याम मिली तो मिली नहीं जय श्याम। जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखिए भैया देखिए का यार ससुरेव तो आगे फैला के चली गए यार। एक बात है जबरदस्ती प्यार करी डाले जान से मारी जाए। अरे इनका सारे का देखियो जो जगह मरी है ना ने छूटा है ना इनके सारे के पचौनी ने ढूंढे भी नहीं। हाँ बात सही कहा। चला हमका तो चला हमको चल। हाँ चला जाए उसका। अरे वाला मिले ना ना मुझे के ये बताओ हवेली से लेकर और हमारी रियायत तक का क्या समाचार है? महाराज समाचार बहुत खराब है। जो समाचार खराब है अगर हम बताएं कि ना बताएं? नहीं बताना पड़ेगा तुम्हें। अगर बता दें दर्शकत रहता केवल तन हाल हमारो हो गए। अच्छी कोई बात नहीं बताओ। आपके भाई छोटे सरकार करप सिंह ने एक लड़की की इज्जत लौटा उसे जान से मार दिया। ओ ये बात और किसी को तो मालूम नहीं है। तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपए हम बढ़ा रहे हैं लेकिन ये बात ये पर समाप्त कर देना और कहीं इस बात को मालूम नहीं होने देना। 500 रुपया बढ़ गए बढ़ जाएंगे तुम्हारी। अब फायदे थे लड़कियों का मारे। नहीं ऐसा नहीं है भाजाबादी। अगर ये बात रियायत में पहुंच जाएगी तो हमारे नाम की बदनामी होगी, हमारे इस राज की बदनामी होगी, हमारे बुजुर्गों की बदनामी होगी और जो लोग मुझे प्यार से देख रहे हैं ना वो मुझे देखकर अपने मन में गालियां देंगे और ये सब का रसानी हमारी महारानी महारानी है। अगर वो इसे पैसे ना देती तो आज ये अय्याशी ना करता और ना किसी बहन बेटी की इज्जत लूटता। जाओ महारानी को तुरंत बुलाकर मेरे पास ला। ना जाने की बात है रोज आती थी तो हमारे स्वामी जी के चेहरे पर खुशी नजर होती थी। आज जाने की बात है उनके चेहरे पर उदासी नजर आ रही है। इस उदासी का कारण पूछूंगी। तो क्या बुलाया
उदासी नजर लगते हैं। महारानी हाँ तुम जानना चाहती हो कि हम गमगीन भी बैठे हैं, हम उदास भी बैठे हैं। आज तुम्हारे लाल प्यार का नतीजा है कि आज इस संसार में मेरा नाम बदनाम होने से बच गया। नाम बदनाम अभी तुम्हारा लाल प्यार कम नहीं हुआ। जानती हो इस गली में जब गुजरते थे हम तो जंगा नजर कसर छुपाती थी, हमारे नाम की जय जयकार करती थी, लेकिन आज वही जंगा वही जय हमें देखकर मुंह फेर लेती है। ये तुम्हारे देवर का नतीजा है और तुम्हारे प्यार की इज्जत है। अगर तुमने प्यार में पैसे ना दिए होते तो गलत काम कभी ना करता और मेरा नाम बदनाम ना होता। और फिर बात कर रही हो शादी की, इतने ऐब होते हुए ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे देवर के हाथ में दे देगा। स्वामी जी आप ठीक कहते हैं, मेरा देवर शराब पीता है, रंगा कोठे में जाता है, अय्याशी करता है, जुआ खेलता है, लेकिन नाथ है तो आपका भाई। अगर आप उसकी शादी नहीं करेंगे तो आपकी प्रजा आपके नाम को बदनाम करेगी, आपके नाम पर थोके की प्रजा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, आज जो करती हूँ वंदन करती हूँ, आप मेरे देवर की शादी कर दीजिए। जब घर में हमारी दौरान शराबा आएंगे तो पक्का खुद वो सुधर जाएगा और मेरे सर का भार भी खत्म हो जाएगा। ठीक है महारानी, लेकिन वो है कहाँ, हम उससे मुलाकात करना चाहते हैं। क्यों लगता? देखो हमें लगता है वो आ रहा है।
हम अपने बड़े भैया और भाभी से तुम्हारा परिचय बनाते हैं। चलो मेरे दोस्त, आज हम तुम्हारे भैया भाभी को देखेंगे। और तेरे देश देश की हवेली है। हमारे राज साहब यहाँ के महाराज है और ये राजा महाराजाओं की कोठी है। इसे देख कर तुम्हें अचंभा हो रहा है यार, ये तो बहुत बड़ी ऊंची हवेली है यार, उसमें तो रहता है। हाँ क्यों नहीं, ओह माय गॉड। हाँ, अंदर अगर बड़े भैया और भाभी से मुलाकात कर रखते हैं। ठीक है, चल आओ मेरे साथ। चलिए आओ। नमस्कार करता है। क्या बात है भाभी जी, आप लोग नाराज हो गया? लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जैसे ही अंदर अपना कदम रखा तब किसी की शादी होने की बात सुना है। आखिर किसकी शादी होना है? अरे हमारी शादी हो रही है। बात करते रहे, तुम खा ले तुम मिले क्यों? तुम्हारी शादी की बात नहीं कर रही थी, मैं तो अपने देवर की शादी की बात कर रही थी। और मेरी शादी की बात? हाँ। लेकिन भाभी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? हाँ बताओ। हमारी शादी के लिए चिंतित न हो, क्योंकि मुझे शादी की कोई दरकार नहीं है। धुले धुलाए कपड़े मिलते हैं, समय से भोजन मिलता है, 500 रुपए रोज खर्च के लिए मिलते हैं, क्या चाहिए।